वय प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में हाइपोथेसिस और उससे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन किया और ये जाना कि किस प्रकार हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी रिसर्च के लिए एक इंट्रीगल स्टेप हैं या किस तरीके से ये दोनों हमारी रिसर्च में हमारी रिसर्च के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि हमारी रिसर्च सक्सेसफुली कंप्लीट हुई उसके रिज़ल्ट का क्या अर्थ है और हम अपने रिज़ल्ट को किस तरीके से अपनी ऑडियंस तक एक्सप्लेन कर सकते हैं आज हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरीके से कुछ मेथड्स से अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम लोग जिन तरह के मेथड्स या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने हाइपोथेसिस किस नेचर की बनाई थी किस टाइप की हाइपोथेसिस बनाई थी और जो हमारा सैम्पल है उसकी नेचर कैसी है उसका डिज़ाइन कैसा है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या हमारा रिसर्च का डिज़ाइन हमें ये गाइड करता है कि हम लोग किस तरह के एनालिसिस यूज़ करेंगे अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो आज हम लोग कुछ उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कुछ उस तरह के डिज़ाइन्स के बारे में बात करेंगे और उन डिज़ाइन्स और उन कंडीशंस में हम लोग किस तरह के एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस को करने की क्या प्रक्रिया है इस लेक्चर में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम लोग अपने इस लेक्चर को आज शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिनमें हम लोग एक स्पेसिफिक तरह का एनालिसिस यूज़ करते हैं तो आज के लेक्चर का टाइटल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग परिकल्पना की परीक्षण किस कंडीशन में डिफरेंसिस को आइडेंटिफाई करने में एग्जामिन द डिफ्रेंसिस तो अब डिफरेंसिस के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कॉमनली हम लोग आपस में जब बातें करते हैं डिस्कशन करते हैं तो जेंडर डिफरेंसिस के बारे में बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसिस के बारे में बात करते हैं एज ग्रुप के डिफरेंसिस के बारे में बात करते हैं जनरेशन के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस होना एक आम बात है और उन डिफरेंसेस को एग्ज़ामिन करना रिसर्च करना एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च का फंक्शन है मात्र सिर्फ़ ये कह देने से कि जेंडर का डिफरेंस होता है या सिर्फ ये कह देने से कि दो जनरेशन के बीच में डिफरेंसेस होते हैं या सिर्फ ये कह देने से कि कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी रिसर्च का प्रॉब्लम या हमारी रिसर्च का फंक्शन सॉल्व नहीं हो पाता है हमें क्या करना होगा कि हमें इन डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए स्पेसिफिक तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाने होंगे और उन डिज़ाइन्स के बेसिस पर हमें डेटा कलेक्ट करना होगा उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होगी और हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट ही ये इंश्योर करेगा कि क्या रियलिटी में जो डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ वो एक चांस फैक्टर है या सिर्फ हमारा परसेप्शन है तो इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन को कंटिन्यू किया है कि कॉमनली इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ यही कुछ कारण हो सकते हैं जिनमें हम दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें हम लोग दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं डिस्कस करते हैं और एग्ज़ामिन करते हैं लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा एम क्या है क्यों हम इन ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में एग्जामिनेशन करना चाहते हैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने से जो हमारे ग्रुप्स के बीच में अंतर है सार्थकता अंतर की उसकी जांच हो जाएगी एग्जामिनेशन हो जाएगा तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं यदि हमने एक रिसर्च डिज़ाइन की कि जेंडर का डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस पर उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंस आया हमारे डेटा में कि हां मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट या एम्प्लॉयस के बीच में वर्क परफॉर्मेंस को लेकर एक डिफरेंस है अंतर है लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने से कि दोनों के बीच में अंतर है हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों अलग हैं डिफरेंट है डिफरेंट फंक्शनिंग है, है नहीं जब तक हम लोग ये ना इस्टेब्लिश करें कि जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है जब ये डिफरेंस हम इस्टेब्लिश कर दें कि यह सिग्निफिकेंट है ऐसा डिफरेंस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं हम उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है तब हम लोग मानेंगे कि जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंगली हमको अपनी फंक्शनिंग में अपने डिस्कशंस में अपनी वर्किंग स्टाइल में डिफरेंसेस लाने चाहिए या जब भी हम कोई प्लानिंग बनाए पॉलिसी मेकिंग हो तो चूंकि ये दोनों ग्रुप मेल और फीमेल डिफरेंट हैं सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तो अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई प्लान करना है तो दोनों के लिए हमें अलग अलग या तो बनाना हो या उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जाएं जिसमें दोनों के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है वो इंटीग्रेट हो जाए अब और क्या कंडीशन हो सकती है जब हम टेस्ट करते हैं तो हम ये और इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये बाय चांस तो नहीं थे रियल हैं फैक्चुअल हैं या किसी एरर हमारी सैम्पलिंग एरर या मेज़रमेंट एरर की वजह से तो हमारे पास जो डिफरेंसेस आए हैं वो तो नहीं हैं जब हम लोग इन डिफरेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिकल मेथड्स के थ्रू इंश्योर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हैं और इन डिफरेंसेस को लेकर हम लोग आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं तो अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उस तरह के डिफरेंसेस को एग्जामिन करने के लिए हम लोग किस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले ग्रुप की कैटेगरीज को मेंशन किया है माना जेंडर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हमने सिर्फ दो कैटेगरीज के, के बारे में यहाँ पर डिस्कशन शुरू किया तो हमारे डिजाइन में जेंडर एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की दो कैटेगरीज हैं मेल फीमेल अब हमें ये भी देखना है कि इन दोनों कैटेगरीज के, के बीच में जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर कोई डिफरेंसेस एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं हम ये एक रैशनल दे सकते हैं कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके टास्क उनकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनका परसेप्शन डिफरेंट होता है और जो मेल एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी कंडीशंस उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब सेटिस्फेक्शन का परसेप्शन है उसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉइज़ दो डिफरेंट तरह के रिज़ल्ट हमें दे सकते हैं इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग कुछ इसी तरह का डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग और भी इस डिज़ाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे अगर यहाँ पर दो ग्रुप ना होकर दो से ज़्यादा ग्रुप हो, तब हम लोग एक डिफरेंट तरह का एनालिसिस करते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ उस डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर हमारे एक वेरिएबल में पॉसिबली दो कैटेगरीज हों या हम उस वेरिएबल की सिर्फ दो कैटेगरीज दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके सिग्निफिकेंस को जांचने की जो मेथड्स हैं आज मात्र हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस को सिग्निफिकेंट है या नहीं इंश्योर करता है उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं टी टेस्ट ये टी टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है टी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में क्लासेस में एन पी सी नॉर्मल प्रोबलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन किया तो ये भी मिडिल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स ओन करता है इसके भी दोनों साइड्स में धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम होते चले जाते हैं लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो एक मेजर डिफरेंस है, वो है एन का जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की करेक्टर को ओन करने लगता है या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की करैक्टर स्टिक्स को शो करने लगता है लेकिन जब एन कम होता है तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की करेक्टर स्टिक्स को ओन या डिस्प्ले ना करके एक करटोसिस के फॉर्म में जैसा हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कर्टोसिस तो जैसा कि प्लेटोकर्टिक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डेटा शो होता है डेटा रिप्रेजेंट होता है डेटा डिस्प्ले होता है उस तरह की नेचर ये शो करता है अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह की पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन कब जब एन बढ़ता चला जाए जब एन और डी एफ कम होंगे तो ये प्लोटोकर्टिक नॉर्मल कर्व कर तरह दिखेगा तो हम आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं एन बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की शेप को लेता चला जाएगा यही एक मेजर डिफरेंस होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम लोग टी टेस्ट एनालिसिस यूज़ करते हैं टी टेस्ट एनालिसिस के कौन कौन से टाइप हैं और ये टाइप किस किस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो दो ग्रुप्स होते हैं वो दो तरह की नेचर रख सकते हैं दो तरह की पहला वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों इंडिपेंडेंट का अर्थ है दोनों का एग्जिस्टेंस और उन दोनों ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एग्जिस्टेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कशन किया था जेंडर तो जो जेंडर है उसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट ये दोनों एक दूसरे से बाई एग्जिस्टेंस डिफरेंट हैं अलग हैं दोनों सैंपल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ओन करते हैं लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ना हो, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों ग्रुप्स डिपेंड करते हों या एक दूसरे से कोरिलेटेड हों या पेयर्ड हों ये तीनों एक ही बात है लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब बनती है ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी बनती है जब हम एक ही पार्टिसिपेंट को या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस में रखें हमारा डिज़ाइन उस तरह का हो जैसा हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में डिस्कशन किया प्री पोस्ट हो या हमारे ट्रायल्स हों ट्रायल वन ट्रायल टू ट्रायल थ्री या हमने एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग कंडीशंस में रखकर उन पे डेटा कलेक्ट किया हो तो इस कंडीशन में जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो एक पेयर में है माना ये कंडीशन वन है और ये कंडीशन टू है और इन दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने सेम पार्टिसिपेंट्स को सेम सैंपल को यूज़ किया अपने डेटा के एनालिसिस के लिए तो यहाँ पर होगा पार्टिसिपेंट टू लेकिन ये पार्टिसिपेंट टू कौन होगा सेम यही लेकिन इसकी कंडीशन कौन सी होगी कंडीशन टू इसने यहाँ पे डेटा दिया कंडीशन वन में पार्टिसिपेंट टू कंडीशन वन यही पार्टिसिपेंट कंडीशन टू पार्टिसिपेंट थ्री कंडीशन वन में डेटा पार्टिसिपेंट थ्री सेम पार्टिसिपेंट कंडीशन टू में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये डेटा है ये एक पेयर में है पेयर का मतलब है कि दोनों कंडीशन में एक ही पार्टिसिपेंट को रखा गया या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को एक ग्रुप में रखा गया और उसी ग्रुप को हमने दूसरी कंडीशन में रखा तो इस कंडीशन में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है इन है। दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरह के टी और उन्हें कैलकुलेट करने के मेथड्स अवेलेबल हैं तो हम लोग कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं कि हम ये जाने बिना या इस चीज़ को इग्नोर करते हुए या गलती से ये इग्नोर हो जाए कि हमारे ग्रुप इंडिपेंडेंट हैं और हम उस पर डिपेंडेंट या को रिलेटेड टी की कैलकुलेशन करें तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो गलत होगा या इसके अपोज़िट हो जाए हमारा डेटा प्री पोस्ट डिजाइन का था पेयर्ड ग्रुप थे उस कंडीशन में हम क्या करें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैलकुलेट कर दें तो भी वो गलत होगा जब भी हम लोग टी इंश्योर करें कि टी की कौन सी कैलकुलेशंस हमें करनी है टी की क्या कैलकुलेशन करनी है पहले हमें यह इंश्योर करना होगा कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उन दोनों ग्रुप्स की नेचर क्या है क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं या डिपेंडेंट और पेयर्ड ग्रुप है ये एक पहली कंडीशन है ये इंश्योर करने के लिए कि हम कौन सा टी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद दूसरी कंडीशन है एन एन मीन्स सैम्पल साइज कॉमनली हम लोग एन के साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में टी को दो पार्ट्स में बांटते हैं बिलो थर्टी स्मॉल एन अबो थर्टी लार्ज एन कॉमनली अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को दोनों में रखें तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी इंडिपेंडेंट के लिए स्मॉल एन एंड लार्ज एन सिमिलरली अब हमारे पास डिपेंडेंट के लिए दो कंडीशंस होंगी स्मॉल एन और लार्ज एन तो अगर हम यह कॉम्बिनेशंस में देखें तो हमारे पास फोर पॉसिबल वेज होंगे टी कैलकुलेट करने के लिए या आप कह सकते हैं हमारे पास फोर पॉसिबल मेथड्स होंगे दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता या उस अंतर के सिग्निफिकेंस के एग्जामिनेशन के लिए आगे की स्लाइड्स में हम लोग उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उन अलग अलग टी के मेथड्स की कैलकुलेशन है और किस तरीके से हम लोग उन मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने टी की एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं तो अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए पहले टाइप के टी के बारे में अपनी कैलकुलेशंस को इनिशिएट करते हैं तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन को कंप्लीट किया है कि पहली एक कंडीशन क्या हो सकती है दो ग्रुप्स के बीच में टी कैलकुलेट करने की कि दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट हों एक दूसरे से तो अब हम लोग जो पहला कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं तो अब हम लोग आगे डेटा लिखते हैं ये डेटा हाइपोथेटिकल है हम लोग इसे इस कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं हम लोग हाइपोथेटिकली पहले दो ग्रुप्स को मर्ज करते हैं इमर्ज करते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी माना हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं अब हम लोगों ने इनका किसी भी एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल या किसी एक वेरिएबल पर कुछ डेटा कलेक्ट किया अब हम लोग हाइपोथेटिकली उस डेटा को ड्रॉ करते हैं माना इनके स्कोर्स हैं 12, 17, 15, इलेवन फोरटीन एटीन एंड इलेवन सबसे पहले हम लोग समीशन कैलकुलेट किए वो आया नाइन्टी एट नाइन्टी एट टोटल एन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो एन इज्कवल टू सेवन मीन हो जाएगा नाइन्टी एट डिवाइडेड बाई सेवन कैलकुलेशन से हमें मिला 14. अब सेकेंड ग्रुप माना सेकेंड ग्रुप में जो हमारे पास डेटा है टू और इसका जो हमारे पास डेटा है वो है टेन ट्वेल्व थर्टीन टेन एट फोर्टीन ट्वेल्व नाइन इलेवन जब हम लोगों ने इसका समीशन किया तो हमें मिला समिशन एक्स टू स्क्वल टू नाइनटी नाइन एन इलेवन सो मीन हो गया 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एन है नाइन सो मीन हो गया इलेवन ये दो ग्रुप हैं और हाइपोथेटिकली हम लोगों ने इनका डेटा ड्रॉ किया अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है माना टी तो टी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो सभी मेथड्स में सेम रहेगा सिर्फ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस या डिफरेंस कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग होते चले जाएंगे तो टी का बेसिक फॉर्मूला है m1 वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस जिसे हम डिफरेंस से डिनोट करते हैं अब हमें क्या कैलकुलेट करना है एम वन एम टू और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एस डी कैलकुलेट करना होगा एस टी पूल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला एवेलेबल है वो है अंडर रूट समीशन एक्स वन माइनस एम वन स्क्वायर प्लस समीशन एक्स टू माइनस एम टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन अब हमें एस टी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए समीशन एक्स वन माइनस एम वन हम लोगों ने इस तरह के कैलकुलेशंस पहले के एग्जांपल्स में भी बहुत बार की हैं तो अब हम लोग उन कैलकुलेशंस को शुरू करते हैं तो एक्स वन माइनस एम वन होगा एक्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एम जिसे कुछ बुक्स में स्मॉल एक्स एक्स या कुछ बुक्स में डी से डिनोट किया गया है तो एक्स माइनस एम होगा ट्वेल्व माइनस एम एम है हमारा फोर्टीन तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे टू थ्री वन माइनस थ्री जीरो फोर माइनस थ्री अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर फोर नाइन वन नाइन ज़ीरो सिक्सटीन नाइन सो समीशन एक्स स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हुआ फोर्टी एट अब सेम यही चीज़ हमें किसके साथ कैलकुलेट करनी है ग्रुप टू के साथ तो ग्रुप टू में हम लोग यही कैलकुलेशन इसके लेफ्ट साइड में करते हैं क्योंकि राइट right साइड में अगर हमारे पास स्पेस कम है तो यहाँ पर होगा x2 और फिर x2 का स्क्वायर x2 के लिए वापस हमें x माइनस एम एम हमारे पास यहाँ पर है 11 तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो हैं वन माइनस वन वन टू माइनस वन माइनस थ्री थ्री वन माइनस टू और ज़ीरो इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है वन वन फोर वन नाइन, नाइन वन फोर एंड जीरो तो समीशन एक्स टू का स्क्वायर हो गया थर्टी अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं अब हम क्या करेंगे इसे यहां पर पुट कर देंगे तो अब हम लोग लिखते हैं फोर्टी एट प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस एट तो इनकी कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है थ्री पॉइंट सेवन फोर तो हम लोगों ने टी कैलकुलेट करने का पहला स्टेप कंप्लीट किया अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एस डी अंडर रूट एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन वन इन एन एसपोल्ड की कैलकुलेशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं तो अब हम लोग जब इस कैलकुलेशंस को करते हैं तो हम लोगों ने पाया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफ़रेंस की वैल्यू है 1.87। अब हमारे पास टी कैलकुलेट करने के लिए हमें जिन जिन पॉइंट्स की ज़रूरत है अवेलेबल हैं तो टी हमारा होगा एम वन माइनस एम टू फोर्टीन माइनस इलेवन थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट एट सेवन और इसकी वैल्यू आएगी वन पॉइंट सिक्स जीरो अब हमें यह देखना है कि जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है डी एफ की तो इस कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एन है ग्रुप वन के लिए सेवन और ग्रुप टू के लिए एन टू हमारे पास होगा नाइन इन दोनों से जब हम एक एक पॉइंट कम करेंगे तो हमारे पास टोटल डी एफ आएगी फोर्टीन अब हमें क्या करना है कि डी एफ फोर्टीन को कंसीडर करते हुए ये एग्ज़ामिन करना है कि ये डिफरेंस पॉइंट जीरो फाइव या पॉइंट ज़ीरो वन लेवल पर सिग्निफिकेंट है या नहीं इसके लिए हमें ज़रूरत है T के टेबल की तो अब हम लोग T का टेबल देखते हैं डी एफ हमारा था फोर्टीन तो अब हमें यहाँ क्या ढूंढना है सबसे पहले फोर्टीन उसके बाद हम लोगों को देखना है टू टेल टेस्ट हम ये हाइपोथाइज करते हैं कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस तो फोर्टीन नल हाइपोथेसिस और पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट वन फोर उसके बाद पॉइंट जीरो वन टू पॉइंट नाइन एट और टू पॉइंट वन फोर अब हम लोग इन दोनों को आगे लिखते हैं हमने ये चार्ट पहले से इसीलिए प्रिपेयर किया है ताकि कुछ समय हम यहां अपना बचा सके तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया था हमने हाइपोथाइसिस किया नल हाइपोथेसिस अब हम लोगों ने क्या किया 14 के डीएफ पर आइडेंटिफाई किया कि टेबल की वैल्यूज क्या है पॉइंट जीरो फाइव पर टू पॉइंट वन फोर पॉइंट जीरो वन पर टू पॉइंट नाइन फोर उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी वैल्यू आई है जो डिफरेंस आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है इसके लिए हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में ये इंश्योर किया था इस प्रोसेस को समझा था कि किस प्रकार की वैल्यू हमारे पास अगर होगी तो जो डिफ्रेंसिस हैं उसे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे या सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे तो इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ की जरूरत थी एक टेबुलर वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई की एक कैलकुलेटेड वैल्यू तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी आई थी वो थी 1.60 तो अब हम उसे पहली कंडीशंस में देखते हैं कि यहाँ पर 2.14 और हमारी जो वैल्यू है वो है 1.60 क्या ये हमारी टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है तो हम देखेंगे कि जो हमारी टेबुलर वैल्यू है वो ज़्यादा है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे ग्रुप्स हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है दोनों ही कंडीशंस में अब हम लोग किस तरीके से अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं वो हम लोग आगे समझ रहे हैं हमने क्या बनाई थी नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का अजम्पन था नो no डिफरेंस हमारे रिजल्ट ने हमें क्या बताया कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं नो डिफरेंस तो अगर हमारा रिजल्ट और हमारी नल हाइपोथेसिस एक जैसे फैक्ट्स को डिस्कस कर रही है तो हम क्या करेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस कंडीशन में इस हाइपोथेटिकल डेटा के साथ अगर मुझे ये कहना हो कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट तो ये डेटा मुझे एविडेंस देता है कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होती किस कंडीशन में यदि मेरी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू मेरे टेबल के वैल्यू से ज़्यादा आती जैसे अगर यहाँ पर थ्री पॉइंट फाइव या कोई भी वैल्यू जो इन वैल्यूज से ज्यादा होती तो अगर एक बस एग्जांपल लेते हैं अगर हमारी वैल्यू आती टू पॉइंट थ्री सिक्स तो यहां पर क्या है ये जो मेरी वैल्यू है पॉइंट जीरो फाइव पर अधिक है मेरी टेबल के वैल्यू से तो उस कंडीशन में क्या कहता मैं कि पॉइंट जीरो फाइव पर मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है किस कंडीशन में जब वो सिर्फ पॉइंट जीरो फाइव पर अधिक है तो इसका अर्थ हुआ कि पॉइंट जीरो फाइव पर जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है तो यहां पर मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है. लेकिन यही वैल्यू 2.36 किससे कम है 0.01 की वैल्यू से 2.98 की वैल्यू से तो यहां पर मैं क्या कहता कि मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, एक्सेप्ट हो गई किस पर 0.01 लेवल पर तो इस प्रकार हम लोग डीएफ और ले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंसीडर करते हुए अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो मेथड है टी कैलकुलेट करने का उसको करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या माना है कि जो एग्जांपल अभी हमने पहले लिया था जेंडर डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन नल हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं देयर विल बी अ नो जेंडर डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अर्थात हम लोग ये शून्य परिकल्पना बनाते हैं कि जेंडर डिफरेंस का कोई प्रभाव हमारे परसेप्शन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन पर पड़ता है या मेल और फीमेल दोनों के जॉब परसेप्शन में कोई अंतर नहीं है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी इस कंडीशन में मेल पार्टिसिपेंट या फीमेल पार्टिसिपेंट में किसी एक का जॉब सेटिस्फैक्शन अधिक है दूसरे से कह सकते हैं मेल पार्टिसिपेंट्स का जॉब सेटिस्फैक्शन अधिक होगा मेरे फीमेल पार्टिसिपेंट्स से तो आगे अब हम लोग एक हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास मेल का डेटा है और फीमेल का हमारे पास यही दो ग्रुप ग्रुप हैं अब इस कंडीशन में अगर हमारे पास एन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन हो तो हम उस कंडीशन में टी कैसे कैलकुलेट करते हैं इस कैलकुलेशन में हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे फॉर एग्जांपल मेल का एन है थर्टी और फीमेल का एन है थर्टी फाइव अब मेल का मीन है फोर्टी एट और फीमेल का अगर हमने अज्यूम किया मीन है फोर्टी अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने माना मेल का स्टैंडर्ड डेविएशन है सेवन और फीमेल का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिक्स टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं सेम रहता है तो टी होगा एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस अब हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का इस कंडीशन में कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एस डी पोल्ड एस डी पोल्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है एस डी स्क्वायर ग्रुप वन का इनटू एन वन माइनस वन न प्लस एस डी स्क्वायर ग्रुप टू का इंटू एन टू माइनस वन डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन तो एस डी में आपने देखा होगा लास्ट एग्ज़ाम्पल में भी और इस एग्ज़ाम्पल में कि हम दोनों ग्रुप्स के जो डेटा हैं जो उनका एस है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये एस डी हमें हेल्प करे ये आइडेंटिफाई करने में कि जो दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो टी कैलकुलेशन में एस टी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अब सेकेंड स्टेप है एस ई डी अर्थात स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस किसका मेन डिफरेंस दोनों ग्रुप का इक्वल टू एस डी अंडर रूट स्टार्ट एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन वन इंटू एन टू अब हमारे पास दोनों फॉर्मूला हैं अब हम लोग इनकी कैलकुलेशंस इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पर एसटी पूल के लिए एस टी पूर्ड के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी सेवन स्क्वायर जो कि एस डी है ग्रुप वन का इन टू एन वन माइनस वन थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन प्लस सिक्स स्क्वायर एस टी ग्रुप टू का इन एन माइनस वन ग्रुप टू का थर्टी फाइव तो यहाँ होगा थर्टी फोर डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन तो ये होगा ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी फोर इन कैलकुलेशंस को करने के बाद जो हमारे पास एस टीपूल्ड की वैल्यू आएंगी वो होगी पॉइंट फोर जीरो अब हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस के लिए हमें चाहिए एस डी जो होगा पॉइंट फोर एस डी की जो हमारे पास कैलकुलेशन होंगी वो कैलकुलेशंस आएंगी सिक्स पॉइंट फोर एट उसके बाद एस डी एस स्टैंडर्ड एरिया डिफरेंस के लिए हमें यहाँ पर होगा एच डी पोल्ड की वैल्यू जो है सिक्स पॉइंट फोर एट सिक्स पॉइंट फोर एट दैन एन वन माइनस एन वन प्लस एन टू होगा थर्टी प्लस थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय एन वन इंटू एन टू थर्टी इंटू थर्टी फाइव ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफ़रेंस की जो वैल्यू मिलती है वो होगी वन पॉइंट सिक्स टू इस प्रकार से टी की वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए हमें जिन जिन नंबर्स की ज़रूरत होगी अब वो हमारे पास हैं तो जब हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मीन वन है हमारे पास फोर्टी एट तथा मीन टू की वैल्यू है फोर्टी इस प्रकार मीन वन माइनस मीन टू की वैल्यू हुई एट अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ़ डिफरेंस की वैल्यू की कैलकुलेशन का जो हमारा रिजल्ट आया था वो है वन पॉइंट सिक्स टू तो एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स टू इस प्रकार टी की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो होगी फोर पॉइंट नाइन थ्री टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है अब हमें डी की वैल्यू को कंसीडर करते हुए यह देखना है कि क्या जो मेन डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं यहाँ पर डी एफ़ की वैल्यू होगी सिक्सटी थ्री अब हम नेक्स्ट स्टेप में टेबल में ये चेक करेंगे कि पॉइंट ज़ीरो फाइव एवं पॉइंट ज़ीरो वन पर क्या वैल्यूज़ हैं उसी के आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन कर पाएंगे और यह जान पाएंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या नहीं और हमें अब चाहिए पॉइंट ज़ीरो फाइव और पॉइंट ज़ीरो वन पर इसकी वैल्यूज़ तो अब हम लोगों को सिक्सटी थ्री डी एफ पर पॉइंट जीरो फाइव और पॉइंट ज़ीरो वन पर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है जब टी की टेबल पर वो वैल्यू अवेलेबल ना हो तो हम लोग जो उसके क्लोजेस्ट वैल्यू होती है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर सिक्सटी के सामने हमारे पास है टू पॉइंट ज़ीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव लेवल पर एवं टू पॉइंट सिक्स सिक्स हमारा पॉइंट ज़ीरो वन लेवल पर तो अब हमें क्या देखना है कि हमें जो टी की वैल्यू कैलकुलेशन से मिली है वो हमारी टेबल की वैल्यू से कम है या अधिक तो जो वैल्यू हमें डेटा डेटा एनालिसिस से मिली है अर्थात जो हमारा कैलकुलेटेड टी है वो टेबल की वैल्यूज़ पॉइंट ज़ीरो फाइव एवं पॉइंट ज़ीरो वन दोनों से अधिक है इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में या मध्य में जो अंतर है वह सिग्निफिकेंट है अब हम इस नॉलेज के आधार पर अपनी नल हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन करेंगे हमने नल हाइपोथेसिस में ये एज्यूम किया था कि दोनों ग्रुप्स अर्थात मेल एवं फीमेल के बीच कोई डिफरेंस नहीं है किसके टर्म में परसेप्शन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन लेकिन हमारे डेटा में हमने यह पाया कि दोनों ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा इस कंडीशन में हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे या हम कहेंगे कि वी फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस तो जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो अब हमारे पास क्या कंडीशन रह गई कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है अब हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा उदाहरण के लिए यदि हमने इस एग्ज़ाम्पल में ये अज्यूम किया हो कि मेल पार्टिसिपेंट्स का जॉब सेटिस्फेक्शन फीमेल पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में अधिक होगा तो हमारा ये डेटा हमें इस तरह के एविडेंस देता है या हमें एविडेंस देता है कि हमने जो एज्यूम किया था वैसा ही हमें हमारे डेटा में मिला क्योंकि यदि हम डेटा में देखेंगे तो पाएंगे कि मेल पार्टिसिपेंट्स का मीन फीमेल पार्टिसिपेंट्स के मीन से अधिक है यहाँ पर हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि टी की वैल्यू में प्लस या माइनस के साइन का उसकी व्याख्या करते समय कोई महत्व नहीं रहता है क्योंकि ये साइन इस बात पर निर्भर करता है कि हम मेन मीन अर्थात मीन वन तथा एम टू अर्थात मीन टू पर किसकी वैल्यू रखेंगे यदि हम मीन वन पर वो वैल्यू रखें जहां पर मीन की वैल्यू अधिक हो तो ये साइन प्लस में ही होगा तो अभी तक हम लोगों ने दो डिफरेंट मेथड्स से दो डिफरेंट कंडीशंस में टी कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को जाना अब हम लोग आगे ए और मेथड से और कैलकुलेशन से टी के और टाइप्स के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे तो अभी जो हम लोगों ने दोनों टी कैलकुलेट किए उसमें हम लोगों ने दोनों ग्रुप्स को इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरह ट्रीट किया और ये माना कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं मेल का ग्रुप अलग फीमेल का ग्रुप अलग इसी तरीके से पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने माना कि ग्रुप ए और ग्रुप बी इंडिपेंडेंट हैं दोनों अलग ग्रुप्स हैं अब हम लोग जो दूसरा कंडीशन था टी का पेयर्ड को रिलेटेड उस कंडीशंस में किस तरीके से हम लोग टी कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशंस के स्टेप्स क्या हैं फॉर्मूला